आयरलैंड एफएस गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है और काफी मुमकिन है कि कर्ज चुकाने के लिए कंपनी को एसेट भी बेचने पड़े, लेकिन कंपनी मुश्किल में आई क्यों? इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर क्यों मुश्किल में फंसा है ये ग्रुप? इस मुश्किल की जो सबसे बड़ी वजह है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा था उस टाइम पर कंपनी ने बहुत सारे एक्सपेंशन ऐसे किए जो अब पूरा करने में मुश्किल आ रही है। साथ ही बहुत ही प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिडिंग की, बाद में कॉस्ट ओवररन हुआ, उसको पूरा नहीं कर पाई, तो बहुत सारा जो कंपनी का पेमेंट था वो अटका। इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कंपनी को टाइमली अगर एग्जिट कर देती तो शायद फ़ायदा होता, लेकिन वो पेंडिंग रहे, सही समय पे फैसला नहीं लिया गया और एग्जिट नहीं कर पाई अपने एसेट से। ये जो है ग्रुप की मुश्किल की एक बड़ी वजह रहे। इसके अलावा कई सारे ऐसे एरियाज में भी ग्रुप ने एंट्री की जो उसके कोर बिजनेस के अलावा थे, तो हद से ज़्यादा एक्सपेंशन, बहुत ज़्यादा लोन लेकर के इसको कारोबार को बढ़ाना और बहुत एग्रेसिव बिडिंग करना, ये तीन चार ऐसी चीज़ें थीं जो ग्रुप पर भारी पड़ रही हैं और अब काफ़ी दिक्कतों में आया है ग्रुप इसकी वजह से। ठीक है, शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, हम आपको ये बता दें कि इस मामले को लेकर मनी लाइफ की फाउंडर सुचेता दलाल का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। इनफैक्ट रिव्यू इस चीज़ का करना चाहिए कि ये पैसा जाता कहाँ है, क्योंकि आप गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट देखिए या नोएडा टोल ब्रिज देखिए, सभी लोग कहते हैं कि ये एकदम पैडेड प्रोजेक्ट्स है, लेकिन ILFS एज अ कंपनी इज इन ट्रबल और वो एक्सपांड करते जा रही है, तो ये एक्सपेंशंस कौन सैंक्शन करता है, उनके बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड में डायरेक्टर्स ने कभी कुछ सवाल किए थे ये एक्सपेंशंस के, और ये कंपनी को इतना ऑल ओवर इंटरनेशनली फैलने की क्या ज़रूरत थी, डिड एनीवन क्वेश्चन इट, ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। और इसके बेनिफिशरीज कौन है, पैसा जाता कहाँ है? आप एक सिंपल अगर स्टडी करेंगे कि कितने फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे डीलिंग विद ILFS, वो नौकरी छोड़ने के बाद ILFS के एम्प्लॉयज़ हो गए, ये भी किसी को स्टडी करना चाहिए, फिर वी विल नो वेदर देर आर वेस्टेड इंटरेस्ट और नॉट, बट दिस इज़ अ बिग स्टडी, वन कांट मेक एलिगेशंस बिफोर, बट इट इज़ वर्थ फाइंडिंग आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाई इज़ इट इन ट्रबल, अगर सब प्रोजेक्ट्स इतने गोल्ड प्लेटेड है तो व्हाई इज इट इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन मुश्किलों के लिए जिम्मेदार कौन है। सबसे पहला सवाल ये कि बोर्ड ने अंधाधुंध कारोबार विस्तार को आखिर मंजूरी क्यों दी। दूसरा अहम सवाल ये कि कमाई घटी पर मैनेजमेंट ने खर्च आखिर कम क्यों नहीं किए। एक और सवाल ये भी बनता है कि कोर के अलावा बिल्कुल अलग कारोबार में आखिर कंपनी क्यों उतरी। ये कुछ अहम सवाल है जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं।